तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आप जो है इंस्टाग्राम पर बिना सीन के, मतलब जैसे आप मैसेज देखते हो तो वहाँ पर सीन लिखा हुआ आता है। तो आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप क्या सेटिंग कर सकते हो। मैं किसी भी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ इंस्टाग्राम से जो सेटिंग है वो बताऊँगा किस तरीके से आप जो है विदाउट सीन के आप जो है मैसेज को देख सकते हो। मतलब आप जो है किसी का भी मैसेज देखोगे, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपने सीन किया या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज किस कमल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित, रास्ते एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज को सीखते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर इस फोन का ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम जाएंगे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर लाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिलेगा या फिर कहाँ से आपको जो है ये ऑप्शन लाना है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर। सिंपली हम इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे और जैसे यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर मैं दो स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं चलाऊंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊँगा किस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। आपका 100% जो है वो ट्रिक काम करेगी, या फिर आप चेक कर लेना दो फोन में, अगर आपके पास दो फोन हो तो दोनों में आप जो है वो ट्रिक यूज़ करके आप जो है चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम आ चुके इंस्टाग्राम पर, देन हमें जो है अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पर जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 लाइन दिखेगी ऊपर की तरफ, तो आपको सिंपली 3 लाइन पर चले जाना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली चले जाना है। तो यहाँ पर हम आ चुके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर और ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लाइज, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है यहीं पर ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे दो ऑप्शन आएंगे, शो एक्टिविटी स्टेटस जो कि आपका ऑनलाइन को जो है हाइड करता है, मतलब ऑनलाइन आप नहीं दिखते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ऐड हो चुका है अभी जो है, यहाँ पर आप देखो शो रीड रिसिप्ट। तो इसका यूज़ क्या है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो, इसको अगर ऑन रखोगे तो कोई भी आपको देख सकता है कि आपने मैसेज देखा है या फिर नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर जो है सीन लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप इसको जो है ऑफ कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया, ऑफ होने के बाद आप कोई भी आपको मैसेज करे, आप कहीं भी देख लो, मतलब कितनी ही बार देख लो, उसको सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने सीन किया है मैसेज को, अगर आप इसको ऑफ रखते हो। अब फिर से अगर ऑन करना है तो फिर से आपको जो है सीन दिखने लगेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। देन उसके बाद जो है आप मैसेज देख सकते हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज देखा है या फिर नहीं। तो ये था एक तरीका जिससे आप जो है इंस्टाग्राम पर बिना सीन के आप जो है मैसेज सीन कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी इस वीडियो को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।